निर्विचार चलो, भोजन कर रहा है निर्विचार भोजन करो, भोजन नहीं कर रहा। लेकिन एक समय में हम हजारों विचार लेकर के चलते हैं, जागरण में चलो, निर्विचार में चलो, तंद्रा में चल रहे हो। इसलिए कह रहे हैं आकि तेजुगी तनसन तत् संसारम। यह केवल कहते हैं कि यह चर्क करेगा, वह जोगी हो जाएगा, वह अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गृहस्थ में, भोगी में या जोगी में बहुत अंतर नहीं है। तुम लोग गहराई से देखो, तुम तो समझते कि हमारे तरह से गुरुजी नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन मैं हरदम कहता हूं कि देखो, बैठता है तो कैसे बैठता है, उठता है तो कैसे उठता है, भोजन करने बैठता है तो कैसे बैठता है, स्नान करने जाता है तो कैसे करता है, सब तुम जब बहुत बारीकी से देखेगा तो परख पाएगा। पानी पीता है तो कैसे पीता है, डिटेल तो हम स्वर से समाधि में बता देते हैं कैसे करो, वो पकड़ लेगा। जो नहीं है अपने नशा में, वो नहीं पकड़ पाएगा। उसका उठने से लेकर चलने, गाड़ी में बैठता है, कार में भी बैठता है तो कैसे बैठता है, बताया ना गाड़ी में कैसे बैठना चाहिए। अब जो जान गया वो पकड़ लेगा, नहीं तुम बहुत गहराई से ध्यान रखेगा गुरु जी के साथ। इसे कर 12 बरस रहे गुरु के टोली तब पावे एक बोली, बहुत गहराई से तुम ध्यान में जब साधना होगा तभी पकड़ पाएगा। नहीं तो कहते गुरु जी हमरे नहीं खा रहे हैं, हमरे नहीं पी रहे हैं, हमरे नहीं चल नहीं रहे हैं, कोई काम तुम्हारे ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम समझ रहा पकड़ नहीं रहा। जब तुम उतरने लगेगा उसमें तो पकड़ लेगा। कहते हैं कि तब तुम्हारा जागरण हो जाएगा, जग जाएगा। अब जब जोगी हो जाएगा, जोगी और भोगी में कोई अंतर नहीं। जैसे जिसको गैस्ट्रिक की बीमारी है, वह जो है खाने के बाद आठ स्वर ज़्यादा नहीं करें, एकदम चित्त सोए, सीधे चित्त 8 बार ब्रीदिंग वो अपना गिनते रहे चले, फिर 16 ब्रीदिंग 16 स्वर बाएं करोट में लेट जाए, और फिर 32 स्वर दाहिने करोट में लेटे खाने के बाद, कुछ काल के बाद उसका गैस्ट्रिक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन तू समझ रहे गुरु जी करवट माल रहे हैं यार, बड़ा जल्दी जल्दी इधर से उधर उधर तुम नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अब देखो एक बात बता दिए, अब तो ये बात पकड़ लेगा। अब सब बताएंगे नहीं, चूंकि अब तो साधना क्लास चलने वाला है नवरात्र में इसलिए थोड़ी थोड़ी टेक्निक है, बस अपने लाइफ को थोड़ी टेक्निक में बदल दो। इसमें हम प्रवचन में थोड़ा बहुत बता देते हैं, खाने पीने का तो बता ही दिए बता देते हैं तुम लोग को थोड़ा, लेकिन तुम गहराई से ध्यान नहीं करता, अनुपालन नहीं करता। अनुपालन करो, पकड़ा जाएगा। जब तुमको सोने का तगत सो रहे हो तो अपने अंदर दिशसंकल्प ले ले, अलार्म लगा दो अपने अंदर, 4 बजे मैं जगूंगा यार, 4 बजे 3 बार संकल्प, 4 बजे जगा देना, 4 बजे तुम्हारा अलार्म फेल हो जाएगा। ठीक 4 बजे में 2 मिनट पहले रहेगा तुम्हारे अंदर की अलार्म, उड़ो 4 बज गया। अब तुम इस अलार्म को मार देगा थप्पड़ से तो क्या करेगा, 4 बजे एकदम निश्चित तुमको जगा देगा 4 बजे। हमारे 3:30 बजे का अलार्म लगा रहता है मोबाइल में चारों तरफ, लेकिन अपना अंदर 3 बजे का लगाए रहते हैं। वो 3 बजे कहता उठ जाइए स्वामी जी, अब 3 बज गया ना, 9 बज गया था, हाँ देखते हैं 3 बजे का रहता। तू अपने अंदर का अलार्म लगाओ, अपनी टेक्निक है, सब तुम्हारे पास है। बाहर का अलार्म कोई काम नहीं करेगा, नहीं सुनने देगा मन। यदि रहेगा नज़दीक तो हाथ जहाँ तक बढ़ता है तो दबा देगा, गला घोंट देता है अलार्म का। अलार्म वाली घड़ी है तो गला घोंट देगा, मोबाइल है तो गला घोंट देगा। इसलिए हम कहते हैं उस अलार्म को इतना दूर रखो जहाँ तुम्हारे हाथ ना पहुँचे, उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा तो बड़ा गड़बड़ है, तब तो उठ जाना पड़ेगा। लेकिन तू लो रखता है जहाँ हाथ पहुँचे तो गला घोंट देता है, क्या फटफट बोला चुप, फिर सो जाता खर